Jaitley is absolutely baseless. Raids have nothing to do with Mr. Kejriwal's office. भ्रष्टाचार के मामले को जानबूझकर political color दिया जा रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए गए तथाकथित आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी नेता और टेलीकॉम मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने आम आदमी पार्टी के आरोपों को सिरे से नकार दिया। एलिगेशंस अगेंस्ट अरुण जेटली इज एब्सोल्युटली बेसलेस, मोटिवेटेड एंड मलाफाइड। द इंटेग्रिटी ऑफ अरुण जेटली इज टू वेल नोन इन द एंटायर कंट्री एंड द वर्ल्ड। द फैक्ट रिमेन्स that because Arvind Kejriwal and his government today is cornered as to the manner in which they sought to give shelter to an officer under cloud, Rajendra Kumar, therefore it is a counter blast. No evidence is there. Now even Transparency International has publicly claimed, it has warned the Chief Minister, please have a proper inquiry about the antecedents of this officer. Therefore a government came from anti corruption crusade is trying to shelter an officer under cloud. Because they have been caught, there is no evidence, therefore the counter blast against Arun Jaitley. As far as the Congress is concerned, रवि शंकर प्रसाद के मुताबिक केजरीवाल और उनकी टीम बदले की भावना से आरोप लगा रही है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस को भी आईना दिखाया। The Congress is on very weak wicket on the issue of National Herald as to how a company having property worth 2000 crore was declared as having negative worth. They have no reply. Therefore this counter blast is there. Arun Jaitley's integrity is impeccable. We are proud of that. It is just a counter blast without any substance. वहीं पीएम मोदी पर बौखलाहट में दिए गए केजरीवाल के बयान की रविशंकर प्रसाद ने निंदा की। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि केजरीवाल को देश के सामने पीएम से माफी मांगनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने जो भारत के प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कायर कहा है, इसकी हम भर्त्सना करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी को माफी मांगनी चाहिए भारत के प्रधानमंत्री से। इधर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी मोर्चा संभाला। केजरीवाल पर पलटवार करते हुए स्मृति ईरानी ने जेटली को क्लीन चिट देते हुए सभी आरोपों का बेबाकी से जवाब दिया। भारत के इतिहास में न्याय और कानून की दृष्टि से, भारत की राजनीति में जिन्होंने अपने कर्मठता से स्वर्ण अक्षरों में इतिहास के पन्नों पर अपना नाम लिखा, ऐसे नेता श्री अरुण जेटली जी पर आम आदमी पार्टी ने गलत आरोप लगाने का दुस्साहस किया। इससे पहले खुद वित्त मंत्री ने सीबीआई की छापों को लेकर पूरे सदन के सामने सफाई दी थी। अरुण जेटली ने साफ किया था कि छापेमारी केजरीवाल के दफ्तर पर नहीं बल्कि उनके सचिव के दफ्तर पर की गई थी। द सीबीआई हैज नॉट रेडेड द ऑफिस ऑफ द दिल्ली चीफ मिनिस्टर। टू, द सीबीआई हैज कंडक्टेड रेड्स एट 14 प्लेसेस टुडे। दीज रिलेट टू केसेस of alleged corruption for a period much before Mr. Kejriwal became the chief minister. So the cases don't even relate to the tenure of Mr. Kejriwal. So neither his office has been raided, nor does the subject matter of investigation relate to him. साफ है, अपने वादों को पूरा न करने को लेकर घिरी केजरीवाल सरकार अब जनता का ध्यान मुद्दों से हटाने के लिए केंद्र सरकार पर सवाल उठा रही है, लेकिन वहाँ भी उसको मुंह की खानी पड़ी है।